नमस्कार दोस्तों, टीवीएस ने अपनी रेडियन को ब्लैक एडिशन के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने काफ़ी सारे अपडेट और चेंजेस भी किए हैं। तो आज की इस वीडियो पे भाई मैं आप लोग को इसी रेडियन का जो ब्लैक एडिशन है इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ जानकारी दूंगा कि यहाँ पे पहले के मुकाबले क्या कुछ अपडेट या फिर चेंजेस किए गए हैं, प्राइसिंग कितनी बढ़ चुकी है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो है आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफी सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो बाइक का जो लुक है, जो डिजाइन है और जो ग्राफिक्स है, ये दोस्तों आप लोग को पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी आप लोग को चेंजेस या फिर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। चेंजेस दोस्तों आप लोग को कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों ये जो ब्लैक एडिशन है, जैसा इसका नाम है ब्लैक एडिशन, उस हिसाब से दोस्तों आप लोग को इसमें कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। यानी कि इसमें आप लोग को टोटली जो बाइक है ये आप लोग को ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले दोस्तों आप लोग को जिस जिस जगह पे जो आप लोग को क्रोम की फिनिश देखने को मिलती थी वहां पे दोस्तों कंपनी अब आप लोग को ब्लैक कलर दे रही है। तो यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अगर मैं आप लोग को लेग गार्ड के बारे में बताऊं, तो पहले वाला मॉडल पे आप लोग अगर आप देखे तो इसमें दोस्तों क्रोम की फिनिश दी गई थी, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये ब्लैक एडिशन को देखे तो इसमें आप लोग को जो है प्रॉपर ब्लैक कलर का यहाँ पर जो है लेग गार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग हैंडल बार को देखे तो इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहले वाला जो मॉडल है इसमें आप लोग को क्रोम का देखने को मिलता था, और अभी वाला जो ब्लैक एडिशन है इसमें आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक कलर का दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों पहले वाला मॉडल पे अगर आप लोग ग्रैब्रेल को देखे तो ये भी दोस्तों आप लोग को क्रोम की फिनिश के साथ देखने को मिलती थी, जिसको यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक आउट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो साइलेंसर है ये भी आप लोग को यहाँ पर जो है सिल्वर कलर की फिनिश से देखने को मिलती थी, यानी कि क्रोम फिनिश देखने को मिलती थी, जिसको यहाँ पर जो है ब्लैक कर दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बाइक का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लैक देखने को मिलेगा, क्रोम आप लोग को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मेनली दोस्तों आप लोग को कलर का जो है एक यही चेंजेस या फिर अपडेट कह लो तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा सभी चीज़ें आप लोग को एग्जैक्टली पहले की तरह ही सिमिलर देखने को मिलेगी। चाहे दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है फीचर्स देख लें या फिर इंजन वगैरह देख लें, ये सभी चीज़ें आप लोग को पहले की तरह ही देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो इसकी जो एक्सरूम प्राइसिंग है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 59,880 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग को ये जो ब्लैक एडिशन है ये भाई आप लोग को कैसा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।